यो सब गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल आप सभी के? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में ही होंगे। सो, आज का जो वीडियो होने वाला है वो आज मेरा पुराने टॉपिक के ऊपर होने वाला है। हाँ, मैं मेरे इनलाइन स्केट की ही बात कर रहा हूँ, और इसकी बात ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैं मेरे नए जो ड्रीम स्केट्स है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। मेरे पास ये दो इनलाइन स्केट्स है, और ये दो भाई के अलावा मेरे पास तीसरा भाई भी आने वाला है। इन दोनों का बड़ा वाला भाई, ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, लेकिन इससे भी बड़ा भाई एक और आने वाला है। समझ रहे होंगे आप लोग, मेरे ड्रीम स्केट्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे ना, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी इनको रखते हैं साइड में, और मैं आपको बता देता हूं मेरा ड्रीम स्केट्स कौन सा है, जिसके लिए मुझे अपना लैपटॉप को ऑन करना पड़ेगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाते हैं और थोड़ा शो ऑफ कर देता हूं। यार, इतना महंगा गेमिंग लैपटॉप लिया है तो थोड़ा बताना तो बनता है। ओके गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अभी यहां पर देख सकते हैं मैंने पावर स्लाइड की जो है वेबसाइट खोली है। यहाँ पर खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, और इसी में जो है मेरे स्केट मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम हमारे स्केट सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दो स्केट्स, पावर स्लाइड 125, और एक यहाँ पर जो दिख रहा है, एक तो ऑफ रोड के लिए है, जो कि यहाँ पर ब्लैक कलर के व्हील्स दिख रहे हैं, इसमें एयर डलती है और फिर जो है ऑफ रोड स्केटिंग कर सकते हैं अपन। लेकिन ये इतना कुछ इफेक्टिव नहीं लगता है, बहुत सारे रिव्यूज वगैरह भी मैंने देखे हैं, तो इस वाले स्केट को भी परचेज करने का मेरे मन से ख्याल मैंने निकाल दिया है। लेकिन दूसरा जो स्केट है आपको दिख रहा है येलो कलर का, येलो कलर और व्हाइट कलर दो कलर है, दोनों ही चमकदार कलर है, और गंदे भी होंगे ना तो गंदे भी बहुत बेकार दिखने वाले हैं। बट मेरे ये फेवरेट स्केट से पूरे 2024 में मैं इसको परचेस करने का ड्रीम था मेरा, जो कि मैंने आज पूरा भी कर लिया है। अभी मैं इसको परचेस करके नहीं बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर परचेस ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन सा स्केट परचेस किया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना पड़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लगभग $365 आ रहा है, लेकिन ये मुझे $420 में पड़ा है डिलीवरी चार्ज मिलाकर। इसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऑर्डर भी कर दिया है, 22 जुलाई को मैंने किया है, और यहाँ पर मैंने टोटल पे किया है $420 में इसको मैंने परचेस किया है। और यहाँ पर इसको शिप होने में जो टाइम बता रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, लगभग एक महीने तक बता रहा है, या फिर 30 दिन से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है ये भी बता रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 दिन में आ जाए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्केट्स कितना ऑसम लग रहा है, लुक वाइज ऑसम है, कलर वाइज ऑसम है, जो कि गंदा भी बहुत ऑसम तरीके से होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बार बार धो लेंगे हम। हाँ, लेकिन मेरे जो पुराने स्केट्स है ये 100 mm के विड्थ वाले, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? तो इसमें 19-20 का फर्क है, मतलब 19-20 का नहीं भाई, 19-20 लाख का फर्क है। क्योंकि यार इसके बूट की क्वालिटी, लाइनर की क्वालिटी, फ्रेम की क्वालिटी, व्हील्स की क्वालिटी, ये सभी चीजें स्ट्रीट स्केटिंग के हिसाब से ही बना हुआ है। और साथ में इसका जो व्हील साइज है ना, वो भी आपको पता है 125 mm तक का है। मेरे जो पुराने स्केट है उसका सिर्फ 110 mm है, इसका 125 रहने वाला है, तो और भी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होने वाला है उबड़ खाबड़ सर्फेस पर। इंडियन रोड तो आपको पता ही है कि भाई कैसा रोड रहता है, और वहां पर चलने के लिए कितने बड़े टायर लेने चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बुलवाया है। और बड़े टायर तो फिर थोड़ा स्टेबिलिटी भी कम लगेगी, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ में वो भी परफेक्ट हो जाएगा। तो भाई यही हमारा स्केट, और यही मेरा ड्रीम स्केट से बस जल्दी से मेरे पास आ जाए। आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, या फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बाहर से बुलवा रहा हूँ मैं, और आने में इसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। वैसे तो मैं इसे बुलवाना बहुत पहले चाह रहा था, लेकिन मेरे पास पेमेंट करने का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं था, पेपल चलाता नहीं हूँ, वीज़ा कार्ड है नहीं, ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज कहीं से जुगाड़ हो गया तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। ओके, सो ये जब भी आए तब हम इसका फिर से रिव्यू करेंगे, और फिर इसके साथ में हम सिटी राइड करेंगे, स्ट्रीट स्केटिंग करेंगे, जो भी करेंगे। दोस्तों यार, मैं पुराने स्केट को चला चला कर बोर हो चुका था, इसको चलाने में भी प्रॉब्लम आती थी, और टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा पतला है, जिस कारण ये टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मुझे ये व्हील्स जाम होने की प्रॉब्लम भी हमेशा आती रहती है। तो इसी कारण मैंने सोचा क्यों ना स्केट को अपडेट किया जाए और थोड़ा यूनिक वाला स्केट बुलाया जाए। वैसे 125 mm वाले स्केट बहुत कम लोगों के पास है, और ये येलो वाला तो फिर ना के बराबर है, मैंने किसी के पास भी अभी वीडियोस वगैरह में यूट्यूब वगैरह में देखा नहीं है। तो हो सकता है कि मैं फर्स्ट स्केट लाने वाला हूँ येलो कलर के 125 mm वाले इंडिया में। तो जो भी हो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज्यादा खुश भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये खुशी आपके साथ में भी बांट दी जाए। तो यही आज मैं बताने वाला था, यही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था, और देखा आपने कैसा लगा मेरा स्केट नया आने वाला, बताना जरूर कमेंट में, और दुआ करना जल्द से जल्द आ जाए यार, और फिर हम करेंगे सिटी राइड फिर से। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।